मैं जब यहाँ खड़ा था और शूटिंग निकाल के आपसे बात कर रहा था, तो वो मेरे पास एक लड़का भागते हुए आया और मुझे पूछने लगा, आप मुस्लिम हो क्या? यार मैं तो समझ से बाहर हो गया। मैं बोला, क्या ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ, ये कौन से टापू पे आया हूँ मैं? ये मलक्का आइलैंड टापू पे आया या किसी सुनसान टापू पे आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। सर्वे दिन हम मलक्का में घूम रहे हैं। ये मलक्का का आप देखिए ना, बहुत मस्त ये बौद्ध टेम्पल ये बना हुआ है। 1995 ऐसा ईयर इस पे लिखा गया है। और आज मैं अभी मलक्का आइलैंड देखने को जा रहा हूँ। एक छोटा सा रोड में गूगल मैप के सहारे जा रहा हूँ। मलक्का आइलैंड मैंने किसी वीडियो में देखा नहीं है। एक छोटा सा रोड ज्वाइन जो करता है मलक्का आइलैंड को, उसी की तरफ अभी हम बढ़ रहे हैं। इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देख के रुक गए मैं। ये देखिए, कुछ अलग ही प्रकार का वी शेप का स्ट्रक्चर इसे दिया गया है। बेहद ही खूबसूरत बनाई गई बिल्डिंग वो देख रहा हूँ मैं। मलक्का के एकदम आखिरी छोर पे आए हम। और ये देखिए, यहाँ पे ये जो मलक्का स्ट्रेट का पानी है हमें अंदर आते हुए दिख रहा है। और ये जो बिल्डिंग मैंने अभी आपको दिखाई है, ये सामने भी एक बिल्डिंग यहाँ खड़ी है लेकिन बंद पड़ा, ये काम मैं देख रहा हूँ। और ये रास्ता बिल्कुल ही सुनसान रास्ता मुझे पूरी मलक्का में पहली बार दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ शायद कोई आता नहीं होगा या क्या मालूम। लेकिन मलक्का आइलैंड को जो जोड़ने वाला रास्ता है ये यही दिखा रहा है। और देखिए आप, आगे पूरा इलाका एकदम ही सुनसान इलाका है पूरा। मेरे ख्याल से ये पूरा पानी से व्याप्त ये क्षेत्र होगा, इसलिए इस बिल्डिंग का भी काम यहाँ बंद पड़ा है और यहाँ भी कोई अपने को कंस्ट्रक्शन नज़र नहीं आ रहा है। मलक्का गेटवे ऐसा इस बिल्डिंग का नाम है, लेकिन काम बंद पड़ा है। ये कौन से टापू पे आया हूँ मैं? ये मलक्का आइलैंड टापू पे आया या किसी सुनसान टापू पे आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि कोई भी पर्यटक यहाँ पे मौजूद नहीं है। कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। और मेरे सामने मैं स्टेट ऑफ मलक्का का दृश्य देख सकता हूँ। मैं आपको भी दिखाता हूँ, एक मिनट, अभी कहीं से तो भी जाना पड़ेगा अंदर। तो इस रास्ते से हम आगे जा रहे थे, तो यहाँ पे एक्चुअली रास्ता नहीं है दिखाने के लिए, लेकिन मैं अंदर आया अभी और अंदर से आपको ये दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप, ये पूरा स्ट्रेट ऑफ मलक्का का समुंदर आप देख रहे हैं। ये जो हम चल रहे हैं ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बिल्कुल नज़दीक के रास्ते से, मतलब जो मलक्का का आखिरी रास्ता है वहीं से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ मलक्का के किनारे किनारे से हम चल रहे हैं। लेकिन एक बात समझ में आ रही है मेरी कि यह टूरिस्ट एरिया क्यों नहीं है? यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मलक्का में तो बहुत सारे टूरिस्ट में घूमते हुए देख पा रहा हूँ, लेकिन ये जो आइलैंड का एरिया है मलक्का आइलैंड का, यहाँ पे बिल्कुल ही सारा सामसूम पड़ा है। सारे दुकानें बंद यहाँ दिख रही है मुझे। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। आखिरकार हम यहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे मलक्का का आप स्ट्रेट ऑफ मलक्का का दृश्य देख सकते हैं। आप जो मेरे पीछे जो दरगाह देख रहे हैं ये है मस्जिद सिद्ध मलक्का, और उसी दरगाह के पीछे हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का का भी दर्शन कर सकते हैं। तो दरगाह का भी दर्शन करेंगे और स्ट्रेट ऑफ मलक्का का भी दर्शन करेंगे। एक्चुअली इस मॉस्क के यहाँ से मुझे निकाल दिया है ये जो गार्ड, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने, क्योंकि मैं जब यहाँ खड़ा था और शूटिंग निकाल के आपसे बात कर रहा था, तो वो मेरे पास एक लड़का भागते हुए आया और मुझे पूछने लगा, आप मुस्लिम हो क्या? यार मैं तो समझ से बाहर हो गया। मैं बोला, क्या ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ, मुझे लगा कुछ गलती हो गई क्या क्या। तो वो बोला, अगर आप इफ़ यू आर मुस्लिम देन यू एंटर इन मॉस्क अनदर राउंड। मैं बोला, इट्स ओके, आई डोंट गो इन मॉस्क, आई गो ओनली स्ट्रेट ऑफ मलक्का, सी द व्यू पॉइंट। तो वो बोले, फिर व्यू पॉइंट देखने के लिए आपको मॉस्क के बाहर से जाना पड़ेगा।
मतलब अभी मैं बॉस के बाहर से इधर से व्यू पॉइंट है वहाँ जा रहा हूँ। बहुत कठिन रूल्स है यार यहाँ के, तो यहाँ से भी अभी मुझे जाने नहीं दे रहे। वो बोल रहे कि यहाँ से नहीं दे सकते, मतलब यहाँ से भी मुझे अभी स्टेट ऑफ मलक्का नहीं देखने को मिल पा रहा है। बहुत अजीब मुझे ये लग रहा है, क्योंकि मॉस्क के वहाँ से भी मुझे देखने नहीं दिया, यहाँ भी मैं आया तो बोले आपको पहले पानी की बोतल लेनी पड़ेगी, और पानी की बोतल की कीमत वहाँ आधे लीटर पानी की बोतल 5 रिंगिट रखी उन्होंने, वो बोतल लो और फिर मॉस्क देखने जाओ। क्या यार, ये देखिए ये मॉस्क, और उसके पीछे ही स्टेट ऑफ मलक्का का पूरा दृश्य हम देख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे से कहीं तो भी देखेंगे। ये देखिए अभी ये मॉस्क है, और मॉस्क के ही नज़दीक से अभी एक बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग के ही नीचे से मैं अभी स्टेट ऑफ मलक्का की तरफ जा रहा हूँ। एक्चुअली वहाँ भी गेट लगे हुए इस स्टेट ऑफ मलक्का को आने के लिए, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था तो अंदर आ गए मैं। चलिए फटाफट से देखते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से। तो ये देखिए ये है सामने मलक्का मॉस्क, जहाँ से अभी मुझे निकाल दिया उन्होंने, देखने नहीं दिया था। तो उसके बगल में गया तो वहाँ भी मुझे देखने नहीं दिया, तो मैं अभी यहाँ दूसरी साइड से अंदर आया हूँ, और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्टेट ऑफ मलक्का का व्यू। देखिए आप कितना खूबसूरत ये पूरा व्यू स्टेट ऑफ मलक्का का हम देख रहे हैं। ये जो है ना, ये पूरा एक राउंड है, राउंड मतलब ऐसा। हम आए वहाँ उस साइड से, मलक्का के पीछे साइड से, और ये जो है पूरा मलक्का स्टेट पूरा ऐसा राउंड बन के पूरा मलक्का सिटी इस साइड में बसा हुआ है। ऐसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का को देखने के लिए बहुत पापड़ पेलने पड़े मुझे। पहले तो मुझे लगा ये यार अभी मैं देख नहीं पाऊँगा स्ट्रेट ऑफ मलक्का किस प्रकार है, कैसा दिखता है, मैं पूरी तरीके से नहीं देख पाऊँगा। लेकिन चलो अच्छा है, यहाँ जो बिल्डिंग बनी हुई है ये देखिए आप, ये यहीं से नज़दीक से मैं आया हूँ। वो भी गेट अभी बंद करेंगे थोड़ी देर बाद, और मैं हैरान हो गया हूँ, बिल्कुल समुद्र के बिल्कुल ही नज़दीक इतनी बिल्डिंग्स और यह कंस्ट्रक्शन रेसिडेंसी यहाँ पे है। बहुत ही हैरानी की बात है, और वहाँ भी स्टेट ऑफ मलक्का में मिट्टी डाल के अभी कुछ तो भी कंस्ट्रक्शंस के काम यहाँ शुरू है। और हम जो ये मॉस्क अभी देख रहे हैं जहाँ पे अभी हमें अंदर नहीं जाने दिया, तो वहाँ भी देखिए आप, मतलब ये जो मॉस्क पूरी खड़ी है, ये पूरी स्टेट ऑफ मलक्का पानी के अंदर ये मॉस्क पूरी खड़ी है, और बेहद ही खूबसूरत ये पूरा डिज़ाइन हमें दिख रहा है। तो इस प्रकार इस वीडियो में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की स्टेट ऑफ मलक्का। मलक्का आइलैंड पे आकर स्टेट ऑफ मलक्का देखने के लिए बहुत पापड़ पेलने पड़े मुझे, इधर से नहीं उधर से, उधर से नहीं इधर से, आखिरकार मैं पहुंच गया और आपको भी दिखाया मलक्का आइलैंड पे स्टेट ऑफ मलक्का का ये पूरा दृश्य। वीडियो पूरा देखने के बाद अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पे अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम कर रहे 6 देशों की साइकिल यात्रा, उसमें हम देख रहे स्टेट ऑफ मलक्का आइलैंड। जय हिंद।